नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रिम्पी यूनिक लर्निंग पर। तो आज हम बनाए जा रहे हैं मदर एंड बेबी स्टैचू फॉर मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे एवरीवन। सो लेट्स वॉच द वीडियो। मदर स्टैचू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है एक कांच की बॉटल, आप प्लास्टिक की बॉटल भी ले सकते हैं। और अब हम न्यूज़पेपर के साथ रेडी करेंगे न्यूज़पेपर स्ट्रिप्स। हमें इस तरह से रेडी कर लेनी है, 8-10 स्ट्रिप्स हम रेडी कर लेंगे। ये सारी इक्वल नहीं है, अगर आपके पास इक्वल हो तो भी चलेगा। हमें बॉटल से थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिप्स रेडी करनी है। अब ये जितनी भी बड़ी स्ट्रिप्स हैं 3 या 4, उनको हम सेंटर में रखेंगे और बाकी छोटी स्ट्रिप्स को हम साइड में रख देंगे। और बॉटल में फिक्स करने के बाद अब हम इसका हिप पार्ट बनाएंगे। हिप पार्ट को अच्छे से सिक्योर कर लेंगे न्यूज़पेपर स्ट्रिप से ही। अब हम पेपर स्ट्रिप से ही ब्रेस्ट पार्ट को बनाएंगे। ब्रेस्ट पार्ट को हम 3 या 4 लेयर देंगे ताकि इसका अच्छे से हाइलाइटेशन हो। और फिर अब हम नेक पार्ट को, यानी कि जो 3 स्ट्रिप्स बची हैं इनको ही रखेंगे, बाकी हमारी साइड की स्मॉल थी हमने ये नेक लिया है। अब हम सिल्वर फॉयल लेंगे और इससे हेड पोर्शन बनाएंगे। अब देखिए हम इसकी एक अंडाकार यानी कि ओवल शेप देंगे। और टूथपिक, ये आपके पास माचिस की तीली हो आप उससे भी शार्प करके इस तरह हेड पार्ट को बना सकते हैं। अब जो अनइवन पार्ट है यानी कि नेक का पार्ट है, इसे एक स्मॉल पेपर से ही हम अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, यानी कि फ़िक्स कर लेंगे ताकि ये अनइवन ना दिखे। नेक पोर्शन में एक्स्ट्रा पेपर लगाने का बेनिफिट ये है कि इससे नेक पोर्शन को अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अब हम एक और स्ट्रिप लेंगे, इससे हम आर्म पोर्शन बनाएंगे यानी कि बाजू बनाएंगे। बाजू हम ये जो ब्रेस्ट पोर्शन का सर्कल है इससे बैक से लेंगे और फिर आगे को आप जो भी शेप देना चाहते हैं, हैंड्स को अप करना चाहते हैं, डाउन, जो भी आप पोजीशन लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। इस तरह हमने हैंड्स को भी सिक्योर कर दिया है, अच्छे से फिक्स कर लिया है। हम फेविकोल में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और छोटे छोटे न्यूज़पेपर के टुकड़े लेकर इसके टॉप पार्ट को अच्छे से कवर कर लेंगे। अब बनाएंगे हम बेबी स्टैचू। सिल्वर फॉयल से हेड पोर्शन को बना लेंगे और टूथ पिक से इस तरह फिक्स कर लेंगे। अब एक स्मॉल क्राफ्ट पेपर लेंगे किसी भी कलर का और इसे कोन की शेप देंगे। अब कोन के किनारों को अच्छे से फिक्स कर लेंगे। आप फेविकोल या ग्लूगन की हेल्प से भी फिक्स कर सकते हैं और इसका जो बॉटम पार्ट है उसे एक राउंड शेप दे देंगे। अब एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप लेकर बेबी की आर्म्स पार्ट को बनाएंगे, यानी कि इसका जो सेंटर पार्ट है उसमें से टूथपिक को हम निकालेंगे और फिर फेविकोल से इसके बॉटम और टॉप पार्ट को अच्छे से फिक्स कर लेंगे जिस तरह हमने अभी किया है। अब हम लेंगे क्राफ्ट पेपर या आप क्रैप पेपर भी ले सकते हैं। इससे मदर स्टैचू का हम गाउन रेडी करेंगे। इसे इनसाइड और आउटसाइड इस तरह से रेडी करना है। मैंने इस तरह से देखिए नॉर्मली पहले न्यूज़पेपर से ही रेडी किया था। आप चाहें तो इस पर कलर भी कर सकते हैं बट मैं इसमें कलर नहीं करूँगी। और इस तरह से हमने एक और गाउन रेडी कर लिया है क्राफ्ट पेपर से। साइड के एजेस को हम यानी कि किनारों को 2 स्ट्रिप खोल देंगे और इस तरह गाउन को रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो बैक साइड को क्राफ्ट पेपर से कवर कर सकते हैं बट मैंने सिर्फ फ्रंट को ही कवर किया है। अब मैं मदर स्टैचू और बेबी स्टैचू के टॉप पार्ट को कलर कर लूँगी। यहाँ मैं वाइट एक्रेलिक कलर कर रही हूँ, आप चाहे तो कोई भी कलर कर सकते हैं। और यहाँ ब्लाउज़ की शेप में इस तरह वी शेप में एक स्ट्रिप को कट के मैंने फ़िक्स किया है और फिर एक बेल्ट के शेप में भी इस तरह स्ट्रिप को फिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा मदर एंड बेबी स्टैचू बिल्कुल रेडी है। आपको हमारा ये DIY बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।